दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ऑयल कैन रीयूज सीरीज पर ही है, लेकिन ये ऑयल कैन नहीं है, ये 5 लीटर का फिनाइल का एक कैन है। इन सभी कैन को यूज करने से पहले मैं इनके स्टिकर निकाल कर इन्हें साफ कर लेती हूँ। यहाँ पर ये स्टिकर आसानी से निकल गया है, लेकिन कुछ स्टिकर्स आसानी से नहीं निकल पाते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए मैं गर्म पानी का यूज करती हूँ। गर्म पानी में थोड़ी देर उन कैंस को रख देती हूँ, जिससे वो थोड़ा नर्म हो जाते हैं। फिर उन्हें थोड़ी देर में रगड़ रगड़ कर निकाल देती हूँ, तो जिससे वो आसानी से साफ हो जाते हैं। ये कैन अच्छी तरह से साफ कर लिया है, तो अब बारी आती है आगे का काम करने की। तो इस सबसे पहले मैं इसके बेस को काट लूंगी। प्लास्टिक कैन के बेस को काटने के लिए किसी भी सीजर या नाइफ का यूज कर सकते हैं, पर इस कैन का प्लास्टिक बहुत ही हार्ड है, तो इसे काटने के लिए मैं चाकू को गैस पर गर्म करूंगी, और जिससे ये आसानी से कट जाए। तो इसके बेस को मैंने पूरी तरह से काट कर अलग कर लिया है, तो अब मैं इसमें अब आगे का डिजाइन कट करने के लिए इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लूंगी, और डिजाइन के हिसाब से मैं चाकू गर्म करके उसे काट लूंगी। काटने के बाद ये थोड़ा सा रफ सा हो रहा है, तो मैं यहाँ इसे सैंड पेपर की हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ कर लूंगी। इसे रगड़ कर इसकी सरफेस स्मूथ हो जाने के बाद मैं इसमें एक कोट जैसो का करूंगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जैसो एक तरह का प्राइमर है और ये कलर को लॉक करने का काम करता है, जिससे करने के बाद हमारा कलर काफी अच्छे से बैठता है और आसानी से निकलता भी नहीं है। मैं जैसो किस तरह बनाया जाता है, इसका एक वीडियो भी मैं काफी समय पहले अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। जैसो करने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख जाए, तो बारी आती है इसमें कलर करने की। तो कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर फेविकोल के एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ, तो मैं इसमें अब ब्लैक कलर कर रही हूँ। ब्लैक कलर इसकी जगह आप ऑयल पेंट या स्प्रे पेंट का भी यूज कर सकते हैं। पर मैंने पेंसिल से एक ट्रैवल फेस ड्रॉ कर लिया है, जिसे मैं अब यहाँ फेविकोल के नियॉन किट के कलर से कलर कर लूंगी। कलर के बाद मैं ब्लैक मार्कर से सारे डिजाइन को हाईलाइट भी कर लूंगी। मैं इसे एक हैंगिंग प्लांटर का रूप देने वाली हूँ, इसके लिए मैं इसमें इसे हैंग करने के लिए इसे होल कर दूंगी, और ड्रेनेज के लिए भी मैं इसमें नीचे होल कर लूंगी। सारे काम हो जाने के बाद लास्ट में इसमें वार्निश का एक कोट करना बिल्कुल ना भूलें। वार्निश का कोट सूखने के बाद बारी आती है इसमें एक सुंदर सा प्लांट लगाने की। तो उसके लिए मैंने इसमें ड्रेनेज होल पर छोटे छोटे कंकर रख दिए थे, उसके ऊपर नारियल के रेशे मेरे पास रखे हुए थे, जो कोकोनट कॉयर कहते हैं, इन्हें डाल दिया है। तो अब मैंने इसमें अपनी हेल्दी गार्डन सॉइल डाल दी है। तो इसके बाद मैंने एक पेंडेनस की वैरायटी का एक सुंदर सा प्लांट इसमें लगा दिया है। प्लांट को इसमें लगाने के बाद इन दोनों की खूबसूरती दुगनी हो गई है। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये ट्रैवल लुक वाला ये DIY प्लांटर? उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।